दर्शकों हो, आज चलते हैं गुजरात। ये गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। वैसे अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी गुजरात बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसी गुजरात में हमने देखा कि भगवान शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे ही दर्शकों हो, यहाँ और भी एक द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है और वो 10वें स्थान पर है। आज इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दर्शकों हो, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका शहर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर दारुकावन नाम जंगल में स्थित है। ऐसा कहा जाता है, नागेश्वर मंदिर में शिव और पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यह शिव पुराण में वर्णित पौराणिक मंदिरों से एक है। यहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है और यह भगवान शिव की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर बनाया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव के नागों के देवता के रूप में माना जाता है। जिन लोगों के कुंडली में सर्पदोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नाग दोष से छुटकारा मिलता है। पुरानी धार्मिक कथाओं में ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महिमा बताई गई है। इसके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर। नागों के देवता वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहते हैं। दर्शकों हो, इस मंदिर में सुबह 5 बजे आरती होती है, लेकिन यहाँ भक्तों को प्रवेश सुबह 6 बजे से मिलता है। इस मंदिर में पुजारियों द्वारा कई अलग अलग विधियों से भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में और उत्सव के दिन यह मंदिर ज़्यादा देर तक खुला रहता है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में निचले स्तर पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर चांदी का एक बड़ा सा नाग बनाया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर को अत्यंत सुंदर बनाया गया है। जिन भक्तों को यहाँ अभिषेक करना होता है, उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनना पड़ता है। यहाँ के पुजारियों से अनुरोध करके सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही अभिषेक कर सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग पूरे वर्ष भक्तों के लिए खुला रहता है। फिर भी अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी तक, क्योंकि इन दिनों में मौसम काफ़ी आरामदायक रहता है और विशेष तौर पर यहाँ पे कई अनुष्ठान और विशेष प्रार्थनाएं होती है। अगर आप एरोप्लेन से यहाँ पे आना चाहते हो, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निकटतम हवाई अड्डा है जामनगर हवाई अड्डा, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप भारत के प्रमुख शहरों से जामनगर एरोप्लेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से टैक्सी लेकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। दर्शकों हो, और अगर आप ट्रेन से यहाँ पर आना चाहते हो, तो इस ज्योतिर्लिंग का निकटतम रेलवे स्टेशन है द्वारका। द्वारका रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप भारत के विभिन्न शहरों से द्वारका के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर स्टेशन से बस या टैक्सी कर सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हो, तो आप ओखा से और राजमार्ग 6 ले सकते हैं। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी पौराणिक कथा ये है कि सुप्रिय नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। सुप्रिय भगवान शिव की निरंतर आराधना और पूजन करता था। वो भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। वो हमेशा शिव भक्ति में ही लीन रहता था।
वहाँ पर एक दारुक नाम का राक्षस भी था। वह राक्षस सुप्रे के इस भक्ति से बहुत परेशान था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी प्रकार से भी अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज उसकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश करता। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो उस दुष्ट राक्षस दारुक ने ये उपयुक्त अवसर देखकर उसकी नौका पर हमला कर दिया और उसने नौका में सवार यात्रियों को पकड़कर अपने दारुका मन ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये बात सुनी तो वो क्रोधित हो गया और उस कारागार में जा पहुंचा। तभी उसने देखा कि सुप्रिय अपने आंखें बंद कर शिवजी के भक्ति में लीन था। यह देखकर दारुक अत्यंत क्रोधित हो गया और उसे कहने लगा कि तू इस समय आंखें बंद करके कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। उसके कहने पर भी जब सुप्रिय ने आंखें नहीं खोली तो वो दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके आदेश से जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वह अपने भक्ति में लीन रहा। वहाँ के बंदियों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। सुप्रियो को अपने भक्ति पर पूरा विश्वास था। तभी वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुका वन का वध किया और वहाँ नागेश्वर के रूप में स्थित हो गए। तो दर्शकों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।